मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में आरोपी बना दिया है। लॉरेंस के साथ साथ उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी क्राइम ब्रांच ने वांटेड सूची में शामिल किया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी जल्द ही मांग सकती है। सलमान खान के घर के बाहर दो बाइक सवारों ने फायरिंग की थी, उन्हें गुजरात से पकड़ा गया और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आया। इस पूरे गोलीकांड की साजिश अनमोल बिश्नोई ने रची थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, और सलमान के घर फायरिंग के मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को बुक किया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में ले सकती है मुंबई पुलिस। सलमान के खिलाफ साजिश, लॉरेंस ब्रदर्स पर शिकंजा। लॉरेंस ब्रदर्स आरोपी, पुलिस लेगी कस्टडी। शूटआउट की इनसाइड स्टोरी। 14 अप्रैल को मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच में तेजी कर दी है। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को गोलीबारी में वांटेड आरोपी घोषित कर दिया है। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस जल्द ही लॉरेंस की हिरासत मांग सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एफआईआर में 3 और धाराएं जोड़ दी हैं। इस पूरी घटना के बाद मुंबई शहर भर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आनंद फानंद में पुलिस विभाग की 15 से अधिक टीमों का गठन किया गया, जो सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेने के साथ साथ उन आरोपियों की तलाश में जुट गए जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। कई घंटों की मेहनत के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने उस बाइक को हासिल किया जिसका उपयोग आरोपियों द्वारा इस पूरी गोलीबारी कांड में किया गया था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में शुरू से ही लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा था। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहीं सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हो, लेकिन अपराध की दुनिया में अभी भी उसका एक छत्र राज चलता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की पूरी दुश्मनी की शुरुआत ही काला हिरन शिकार मामले से शुरू हुई थी। इसके बाद लॉरेंस ने कई बार सलमान की जान लेनी चाही, सलमान पर कई बार हमला हुआ। आईपीसी की कई सेक्शंस के आधार पर इन दोनों आरोपियों का नाम क्राइम ब्रांच टीम में दर्ज किया गया है। जानकारी दी गई कि बड़ी ही जल्द अनमोल बिश्नोई को लेकर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। वहीं जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो कस्टडी डिमांड है वो भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम द्वारा की जाएगी। अब तक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने हफ्ते भर में कई जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस के लिए जो प्रैंक कॉल है वो भी एक बड़ी मुसीबत खड़े कर रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच गुजरात के भुज से दो संदिग्ध को गिरफ्तार कर चुकी है। इनका नाम विक्की और सागर है। दोनों शूटर्स ने 14 अप्रैल को बांद्रा इलाके के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 4-5 राउंड फायरिंग की थी। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने पैसों के लिए लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ऐसा किया था। 16 अप्रैल को शूटर्स को मुंबई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस केस में जांच की आज कहां तक पहुंचती है। नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। Z News.